यूक्रेन में डॉक्टरों की पढ़ाई करने के गए संभल के अलग अलग गांव के 10 छात्र इस समय रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच फंस चुके हैं, जहां रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद सभी छात्रों के परिजन चिंतित हैं और छात्रों की सलामती की दुआ कर रहे हैं। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग के बाद अब छात्रों के परिजन भारत सरकार से छात्रों को सुरक्षित अपने वतन वापस लाने की भी गुहार लगा रहे हैं। बच्चा पहले ही साल में है, अभी मतलब MBBS की पढ़ाई कर रहा, और दिसंबर में 13 दिसंबर को यहाँ से गया था वो यूक्रेन पढ़ने के लिए। उस टाइम हालात सही थे, बाद में अब न्यूज़ आती रही, हालात बिगड़ते रहे, अब जो है वहाँ पर जो हालात ज़्यादा संजीदा हो गए। तो बच्चे से मेरी बात हुई थी रात, तो उसने बताया कि यहाँ पर अभी तो कोई परेशानी है नहीं, फिलहाल मैं बिल्कुल सही सलामत हैं वो, और किस तरह की वहाँ कोई परेशानी नहीं। लेकिन ये हालात जब युद्ध के हो रहे हैं और युद्ध हो रहा है, रूस ने सुना अटैक कर दिया है, तो अब तो हम ये चाहते हैं, हमारी सरकार से ये मांग है कि हमारी जो सरकार है यहाँ की, भारत सरकार और हमारे के जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, राष्ट्रपति जी हैं, हमारा उनसे अनुरोध है और गुजारिश है कि वो जो हैं हमारे सभी बच्चों को जो इंडिया से हमारे छात्र हैं वहाँ पर पढ़ रहे हैं और या किसी भी काम से गए हैं जो वहाँ पर लोग हैं यूक्रेन में, तो हम ये चाहते हैं वो सभी लोग और हमारे बच्चा साथ साथ उनके सही और सलामत जो है वो हिंदुस्तान जो है पहुँचना चाहिए, वापस आना चाहिए। बच्चा 3 बच्चे हैं वहाँ, एक बेटा दो भतीजे हैं, उनसे बराबर संपर्क में है, कल से ज़्यादा परेशान है वो रात से, उन्होंने बताया कि यहाँ पे बमबारी की है और भगदड़ मच हुई है, सामान की खरीदारी चल रही है, मार्केट बंद हो गई, हम लोगों ने भी जो है अपने खाने पीने का कुछ राशन खरीदा है ताकि भविष्य में हमें और हम यहाँ पर काफ़ी परेशान हैं रात से, और हम जिस शहर में रहते हैं उससे लगभग 7 किलोमीटर दूर पर बमबारी चल रही है। हमारी हम सरकार से भी अपील करते हैं कि हमारे बच्चों को सुरक्षित निकालने की कोशिश करें, और हम भी यहाँ दुआ कर रहे हैं कि हमारे बच्चे सही सलामत घर लौटें। हमारे भाई हैं छोटे, कल भी बात हुई थी, रोज़ बात होती है, आने के लिए कह दिया था हमने, अभी भी बात हो रही है, लेकिन अब फंसे हुए हैं, हमला हो गया है। क्या कह रहे थे, कैसे हालात हैं, क्या बताया उन्होंने? हालात वो तो कह रहे थे ठीक हैं, लेकिन हम तो ये मान रहे हैं हालात ख़राब है। बोले हम तो यहाँ पर सेफ हैं, काफ़ी दूर है वैसे जा से अंदर, और हम तो पूरी तरह से सही हैं। बोले कोई परेशानी, अगर कोई परेशानी होगी तो बता देंगे। मेरे बच्चे से बात हुई थी, मोहम्मद फैसल नाम है उसका, यूक्रेन में पढ़ रहा है, MBBS के लिए वो गया है बच्चा, और दनिक से शहर में है, यूरोप के बॉर्डर पर। तो उससे मेरी बात हुई, उसकी 2 मार्च की फ़्लाइट थी, मैंने कराई थी, वो बता रहा है कि अब फ्लाइट जो कैंसिल हो गई है, और हालात जो है नाजुक तो हैं वहाँ के। भारत सरकार से मेरी ये अपील है कि हमारे बच्चों को सकुशल भिजवाया जाए वहाँ से, और हम दुआ कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए कि जल्द से जल्द वो घर लौटने की वापसी करें। अच्छा, आपकी बातचीत हुई तो क्या बताया, किस तरीके के हालात हैं वहाँ के, और क्या हालात? ये बताया कि एक बच्चा हमारे मदाले का, बाबूजी असरार का लड़का, वहाँ पे दूसरे शहर में रहता है, वो अपना सामान पैक कर गया था, वो तो बता रहे थे हमारे बेटे से, क्या मैंने फ़ोन पर बात करी है, तो अभी बता रहे थे कि वहाँ 2 मिसाइलें गिरी हैं आकर, तो उस चीज़ की उन्हें घबराहट है, बच्चे ज़्यादा परेशानी में हैं। भारत सरकार से हम यही अपील करते हैं कि हमारे बच्चों को जल्द से जल्द लाने की कोशिश करें।